मुंगेर में हिमजापुर उपी क्षेत्र के शिवकुंड निषाद टोला में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें लगभग 11 लोग घायल हो गए। दरअसल नाली का कचरा साफ करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, दोनों के परिजन जब बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। उसी को साफ किए हैं, तो साफ किए हैं तो समाज के लिए किए हैं। हाँ ठीक है। और तेकर बाद मट्टी हम लोग निकाल दिए, तो निकाल दिए तो फेंके हैं तो एक उधर बजा पर है, तो इन नहीं फेंकाई कि बोला कि मार भैर देगा, जाके भैर दिया। बस वहाँ पर बताबाती पर होते होते इतना घटना हो गया। लाठी लेकर सब क्या नाम है आपका? रोशन राय। नाली की वजह से सुबह हुआ था, सुबह हुआ था तो कचरा निकाला, तो बोले कि कचरा निकाल रहे हैं तो फेंक दीजिएगा, मुंह पर नहीं रहने दीजिएगा। बोला निकाल के छोड़ देंगे, तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा शांत हो गया। फिर शांत जो हुआ, प्रोग्राम दारू पी के बनाया। मुसहरू राय उसका बेटा, पत्नी प्रमोद राय के दो गो बेटा, मदन राय मदन के दो गो बेटा, दो गो पुता ओकरा बीवी, मनोज राय के बेटा पुतो, मनोज राय की पत्नी, सब मिल के मारा है प्रोग्राम बनाए। तो कहे गो कौन कौन लोग घायल हो गए? मम्मी है, पापा है, हम है, बहन है, भाई है, एक भतीजा 8 साल के घर में है घायल। कहे गो घायल हुआ टोटल? 5 गो। हाँ तो कौन थाना गए थे? हमजापुर गए थे, वो बोला कि कागज बनवाए का इलाज कराने आए। कौन लोग मारा? वो लोग, अच्छा वो लोग मारा है, वो लोग के साथ केस। अच्छा ठीक है, क्या नाम बताए? मुसहरू राय उसका बेटा। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।